पर नाक नाच का ये कदे भी देसियां में कमी देख के तेरे शहर की सड़क भूल जा कमायाली कमी देख के जय श्री कृष्ण। दोस्तों, फार्मिंग रील आईफोन से एडिट किया जाता है या फिर कैपकट ऐप से? इस सभी सवालों का जवाब आप कई सालों से अलग अलग चैनलों पे जाकर या फिर मेरे भी चैनल पर आकर ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को कहीं पे भी रियल वीडियो आप लोगों को नहीं मिलता होगा कि आप लोग कैसे फार्मिंग रील को एडिट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन या किसी भी फोन पे। आप लोग जो भी वीडियो देखते होंगे वो 90% फेक होता है। ये मैं केवल दूसरे के वीडियो को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने वीडियो के बारे में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इतने सालों से मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देता आया हूँ। दोस्तों, आप लोग इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को जितने भी वीडियोस बनाऊंगा वो सभी आप लोगों को 100% रियल बताऊंगा। इस वीडियो में भी आप लोगों को जितने भी आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा एडिटिंग के बारे में, आईफोन से भी मैं आप लोगों को एडिट करने का बताऊंगा, एंड्रॉयड फ़ोन से भी, तो आप लोगों को सभी कुछ एकदम 100% रियल मिलेगा देखने के लिए। और एक और बात दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और सच बताता हूँ, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आईफोन 12 से शूट हो रहा है, और मेरे पास एक दूसरा फोन भी है, देख सकते हैं ये रियलमी 8 का है जो एंड्रॉयड फोन है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो फोन है सो रियलमी 8 का फोन है, और जिससे भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो आईफोन 12 है। मैं जो भी शॉर्ट्स या रील बनाता हूँ वो आईफोन 12 से जो बिहाइंड द सीन होता है वो शूट करता हूँ, और जो उसका फाइनल रिजल्ट भी होता है वो आईफोन 12 से ही शूट होता है। और केवल इस फोन से आप लोग को जो देखने को मिलता होगा, जो वहाँ पर एक्टिंग किया जाता है वो इससे किया जाता है, ताकि आप लोग, क्योंकि मेरे पास एक ही आईफोन है जो आईफोन 12 है, तो एक फ़ोन से दो चीज हो नहीं सकता। इसी कारण से मैं इसमें आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मैं शूट करता हूँ वो मैं इससे बताता हूँ, और फाइनल में लास्ट में जो रिजल्ट और जो बिहाइंड द सीन होता है सो मैं आईफोन से शूट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये सब आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने सालों से मैं आप लोगों से झूठ बोलता रहा, आप लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही बताता रहा कि मैं रियलमी 8 से वीडियो शूट करता हूँ। लेकिन आप लोगों को अब मैं इसलिए सब कुछ सच सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं जितना भी वीडियो शूट करूँगा वो सभी आप लोगों को 100% रियल मिलेगा, तो आप लोगों को भरोसा हो सके, इसलिए मैं आप लोगों को सब कुछ सच बताऊंगा। और आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग के पास आईफोन नहीं है तो आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन से भी किस प्रकार से शूट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी तक मैं जो भी सीखा हूँ मैं आप लोग सब कुछ अब शेयर करूँगा इस वीडियो में। ये देख सकते हैं मैं पीछे इस प्रकार से मैं माइक से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी मैं आया हूँ अपने घर की तरफ जो पहाड़ है वहाँ पर। तो आप लोग को आपसे फिर से मैं बोलता हूँ, जितना भी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा वो सभी आप लोग को रियल मिलेगा, तो आप लोगों को जो चीज़ के बारे में भी वीडियो देखना है वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को आईफोन और एंड्रॉयड फोन दोनों पे रील शूट करके अच्छे से एडिट करके दोनों फोन पे किस प्रकार से किया जाता है, और आईफोन से कैसे एडिट किया जाता है, और एंड्रॉयड फोन से किस ऐप से किया जाता है एडिट, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो पे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों को इस चैनल पर अपलोड करूंगा, और वो सब कुछ रियल होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं अगर आप लोग को और भी इसी प्रकार का रियल वीडियोस देखना है फार्मिंग रील्स शूटिंग और एडिटिंग का। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूं, तो आप लोगों को मैं भी फिलहाल दूसरे लोकेशन पर ले चलता हूं, और आप लोगों को आईफोन और एंड्रॉयड फोन दोनों से एक एक रील शूट करके दिखाता हूं। सो दोस्तों, कुछ दिन के बाद मैं भी आ गया हूं अपने गाँव के खेत की तरफ, और इस वीडियो में जो आप लोग वॉइस सुन रहे हैं वो मैं अलग से वॉइस ओवर कर रहा हूं, और ये देख सकते हैं ये मेरे भाई है जो आप लोग शॉर्ट्स रील पे जो वीडियो में देखते होंगे तो यही है, और इसे मैं लाया हूँ कैमरामैन बनाकर यहाँ पर अभी जो वीडियो मैं शूट करूंगा उसके लिए। तो देख सकते हैं ये मेरा रियलमी 8 का फ़ोन है, तो यहाँ पर मैं फटाफट अभी फ़ोन को ऑन करके अपना वीडियो को ऑन कर लेता हूँ। और दोस्तों, आप लोग को देखिए ऊपर में आप लोगों को सभी फ़ोन में ऑप्शन मिलता है कैमरा की क्वालिटी बढ़ाने का, मेरे में 4K तक का ऑप्शन है, आप लोग पास जितना भी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी हो आप लोग उसे कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को एंड्रॉयड फ़ोन में अच्छा क्वालिटी बढ़ जाएगा। और मैं इसके बाद आप लोगों को आईफोन के बारे में भी बताऊंगा किस प्रकार से उस पर भी क्वालिटी बढ़ाकर आप वीडियो बना सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं मैं एडिटिंग करने के लिए बस सिंपल सा एक मैं यहाँ पर देख सकते हैं फोकस करके सिंपल सा रील शूट कर ले रहा हूँ। मैं अलग से फार्मिंग रील को प्रोफेशनल तरीके से किस प्रकार से शूट करते हैं वो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों, दूसरा रील मैं आईफोन 12 से शूट कर रहा हूँ, जो बिहाइंड द सीन वाला वीडियो देख रहे हैं वो रियलमी 8 से शूट हो रहा है, और यहाँ देख सकते हैं मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा दे रहा हूँ 4K 60 FPS में इसे शूट करूंगा मैं, और देख सकते हैं आईफोन 12 का स्टेबिलिटी कितना अच्छा है, क्योंकि आईफोन है तो इसका क्वालिटी अच्छा होगा ही एंड्रॉयड फोन से। तो चलिए यहाँ पर हम सिंपल सा एक रील शूट कर लेते हैं, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ठीक से सनसेट नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को जो इफेक्ट देखने को मिलता है फार्मिंग रील में वो सेम टू सेम आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा इस प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अभी सनसेट ठीक से नहीं हो रहा है। सो गाइज, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, हमने दोनों फोन से एक रील शूट कर लिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब दूसरा स्टेप में
आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों से जो हमने एक एक रील शूट किया है उसे मैं आप लोगों को एडिट करने का बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एंड्रॉइड फोन में जो हमने रील शूट किया है उसे मैं आप लोगों को कैपकट ऐप से एडिट करने का बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को आईफोन से जो हमने रील शूट किया है उसे मैं आईफोन के जो एडिटिंग वाला ऑप्शन मिलता है उससे मैं आईफोन से एडिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एंड्रॉइड फोन से दिखाता हूँ किस प्रकार से वीडियो को एडिट करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को सीधा अपने एंड्रॉइड फोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर ले चलता हूँ। सो दोस्तों देख सकते हैं ये रियलमी 8 का फोन है, इसी पर मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के सामने कैपकट ऐप से यहाँ पर वीडियो को एडिट करके दिखाऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर ले रहा हूँ और आप लोग अपने फोन को रोटेट कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। मैं कैपकट ऐप को ऑन करना है आप लोगों को, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोग को क्लिक करना है और जो भी हमने वीडियो को शूट किया उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। देखिए पहला नंबर वाला वीडियो है, यहाँ पर थोड़ा सा लोड हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीडियो आ गया है। हाँ देखिए अभी किस प्रकार का अभी एडिट करने के बाद थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साउंड को ऑफ कर देंगे और सबसे साइड पर आकर देखिए वाटर मार्क को यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे में आप लोग को देखिए स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सेचुरेशन को +50 कर देना है और ब्राइटनेस को आप लोग को माइनस नहीं करना है, अपने वीडियो के अनुसार करना है। अगर आपके वीडियो में अगर ज़्यादा ब्राइटनेस है तो आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम है तो हम इसे प्लस कर दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आकर शार्पनेस को भी आप 25 या 20 कर सकते हैं। इसके बाद सबसे साइड में आप लोग को आना है, जो वीडियो के साइड में जो ब्लैक इफेक्ट करता है उसके लिए आप लोग इसे वाइट या फिर ब्लैक अप कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। इससे देखिए हमारा वीडियो यहाँ पर पूरा एडिट होकर कंप्लीट हो चुका है जो इफेक्ट लगाना था। और यहाँ मैं पहले ही बोला था यहाँ पर आप लोग को पूरा ऑरेंज इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ऊपर से हम लोग आकर वीडियो को हम यहाँ सेव कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब मैं आप लोग को आईफोन से वीडियो को एडिट करने का दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने जो वीडियो को शूट किया उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो है तो इसे हम सेलेक्ट करके अब यहाँ पर एडिटिंग वाले ऑप्शन पर आकर अब हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ़िल्टर लगाएंगे, दूसरा नंबर का जो फ़िल्टर उसे लगा देंगे। उसके बाद आप लोग एडजस्टमेंट में आकर इसे देखिए जो जो मैं जितना कर रहा हूँ आप लोग को उतना ही करना है, इस क्योंकि आईफोन में आप लोग को आसानी समझ में आ जाएगा जो जो मैं कर रहा हूँ देख सकते हैं उसी को आप लोग को माइनस या प्लस करना है। सबसे आसान आईफोन में है। तो देखिए हमारा यहाँ पर एडिट होकर कम्प्लीट हो गया आईफोन वाला। तो चलिए मैं दोनों वीडियो को आप लोगों को एक साथ दिखाता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा आईफोन और एंड्रॉइड। ये दोनों वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, एक एंड्रॉइड से शूट एडिट है और एक आईफोन से शूट और एडिट है। दोनों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों का फार्मिंग रील में एडिटिंग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और मैं आप लोग से फिर से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से जो भी झूठ बोला उसके लिए। लेकिन आपसे जितना वीडियो आएगा फिर से बोल रहा हूँ सब में आप लोगों को एकदम 100% ओरिजिनल वीडियो देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके और भी मुझे बता सकते हैं आप लोगों को जो भी वीडियो देखना होगा। तो आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।